हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ शिवांगी। आप लोगों की डिमांड थी कि मैं जहाँ फिज़िकल टेस्ट की प्रैक्टिस करती हूँ तो एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँ, तो आपकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। गाइस देखिए, मेरी फ़िज़िकल टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो उतनी अच्छी तो नहीं है, कुछ ही दिन पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ है अपनी प्रैक्टिस। बट मैं जिस फील्ड पर प्रैक्टिस करती हूँ, आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है, ये लगभग आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और 400 मीटर का समथिंग ये ग्राउंड है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ज़्यादा अच्छी ना सही, बट अभी तो मेरी प्रैक्टिस चल ही रही है क्योंकि आपको पता है कि भोपाल बोर्ड से हूँ मैं और मेरा फिज़िकल टेस्ट 20 जनवरी को है, अभी नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फ़िज़िकल टेस्ट हो गया होगा, कुछ क्वालिफाई हुए हैं, कुछ क्वालिफाई नहीं हुए हैं फ़िज़िकल टेस्ट में, और जो आगे जिनका फ़िज़िकल टेस्ट है वो डेली रिव्यूज़ देखते हैं और उन्हें घबराहट होती है। ऑब्वियसली ये सभी लोगों के साथ होता है, तो गाइस मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल मत घबराइए। थोड़ा बहुत घबराहट सभी को होती है, बट यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप वहाँ पर जाके सिलेक्ट ज़रूर होंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट होता है कि किस जोन में ग्राउंड कितने मीटर का दिया जा रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ ये भी बोलना चाहती हूँ कि ग्राउंड आपको कितने भी मीटर का मिला, आपको उस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि 200 मीटर का ग्राउंड है, 250 मीटर का ग्राउंड है या जितने का भी है। यदि आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो आपको ग्राउंड कितने भी मीटर का मिले, हमें सिर्फ डिस्टेंस 1000 मीटर कवर करना है। और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो श्योर रहिए आप कि आप वहाँ पर जाकर सिलेक्ट हो जाएंगे। अलग अलग लोगों से इन्फॉर्मेशन मत लीजिए कि ग्राउंड कितने मीटर का है, कितने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने लोग डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरों की कही हुई बात पर आकर वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है कि आप डीमोटिवेट हों। तो प्लीज़ गाइस, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं आप उसका ध्यान रखिए। मैंने अपनी रनिंग प्रैक्टिस का वीडियो तो नहीं डाला हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी रनिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैंने वो फील्ड आपको ज़रूर दिखा दिया जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ये फील्ड यदि आप ओवरव्यू करते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर प्रैक्टिस करने डेली आते हैं सुबह और शाम, मैं सिर्फ एक ही टाइम पर आती हूँ। और ये फील्ड आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी है, लगभग 400 से 420 मीटर का ये ग्राउंड है। आप 400 मीटर मानकर चलिए इस ग्राउंड को, और यहाँ पर प्रैक्टिस करते मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करने का। आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट, आपका फिज़िकल टेस्ट अच्छा ही जाएगा, बस आप लास्ट समय पे बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, दूसरों की कही बातों में मत आइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आपको कोई इंजरी है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे ट्रिगर मत करिए लास्ट मोमेंट में, सिर्फ अपनी बॉडी का ध्यान रखिए और अपना 100% वहाँ जाकर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। फिज़िकल टेस्ट के बाद मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा फिज़िकल टेस्ट कैसा हुआ और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा फिज़िकल टेस्ट के दौरान। थैंक यू सो मच।